उज्जैन में आरके ड्रीम्स में विख्यात कथावाचक जया किशोरी भागवत कथा का आयोजन कर रही है। चौथे दिन श्रीमद् भागवत कथा में नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गुंजा था। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव और नंद उत्सव पर भक्तों ने गाया भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भक्त जन्म उत्सव पर झूमते हुए नजर आए। उज्जैन के देवास रोड स्थित हामूखेड़ी में विजासन माता मंदिर रोड पर आर के ड्रीम्स में श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव पर जहां भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी गूंजा और भक्त भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे, वही भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जय घोष के साथ भक्त जमकर झूमे। पूरा कथा पांडाल फूलों और गुब्बारों से सजाया गया। आरके ड्रीम्स में श्रीमद् भागवत कथा में जया किशोरी ने कहा कि पांच ऐसे धर्म हैं जिनका पालन आप रोज कर सके तो भी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। पहला धर्म है सत्य, जितना हो सके सत्य की राह पर चलो, जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलो। दूसरा लक्षण है दया, दया दिखाएं, लेकिन आजकल इंसानियत खत्म हो रही है, कोई सड़क पर तड़प रहा है और हम वीडियो बना रहे हैं, दुनिया गोल है घूम कर आती है, आज आप वीडियो बना रहे हैं, दया नहीं दिखा रहे हैं, कल को यह आपके साथ भी हो सकता है, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, आपकी नजर ढूंढेगी, कोई तो मेरी मदद कर दे। तीसरा धर्म है पवित्रता, खुद को पवित्र रखे, घर को पवित्र रखे, साफ सफाई रखे तो लक्ष्मी आएगी, गंदगी रखेंगे तो दरिद्रता आएगी। चौथा लक्षण है तत्परता, बाहर से लोग जो चमक रहे पर मन उतना ही गंदा, वाणी उतनी ही गंदी, किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचे, थप्पड़ अमीर को मारो या गरीब को लगता उतनी ही जोर से है, किसी को कुछ कहने से पहले ये सोचो कि वो आपको ये कहे तो कैसा लगेगा। एक अच्छा व्यक्ति दूसरे को सहन नहीं करता, अच्छा व्यक्ति अच्छे को गिराने में लगा है, इसलिए अच्छाई बढ़ती नहीं बुरे व्यक्ति एक साथ खड़े होते हैं, इसलिए बुराई बढ़ रही है। पांचवा लक्षण है तितिशा, भगवान जो भी दे उसे प्रसाद समझ कर ग्रहण करना चाहिए। कथा बहुत अच्छी चल रही है, राधे राधे। श्री जया किशोरी जी के सुरमुख से कथा चलते चलते अमृत वर्षा हो रही है। कल उन्होंने नरसिंह अवतार और भक्त प्रहलाद का वर्णन किया, इसके बाद आज कृष्ण जन्मोत्सव है। जैन की पब्लिक से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं, जैसे कथा 2 बजे चालू होती है, लेकिन ज़्यादातर पब्लिक 3:30-4 बजे आती है, 4 बजे से पूरा पंडाल भर जाता है, लेकिन शुरू में वो लोग आते आते लेट करते हैं। तो मेरा कहना उनसे ये है कि आप पूरे कथा का अमृत वर्षा का आपको लाभ उठाना है तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक लेंगे, ये मेरे उज्जैन की जनता से निवेदन है। आयोजक राकेश अग्रवाल ने बताया है कि आरके ड्रीम्स में 7 दिनों तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा का 25 नवंबर तक समापन होगा। प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक कथा में हजारों भक्त एक साथ कथा का रसपान कर रहे हैं। आयोजक राकेश मनीषा अग्रवाल ने उज्जैन शहर की धर्मप्राण जनता से प्रतिदिन कथा का लाभ लेने का अनुरोध किया है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बिंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।